हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज थोड़ा हम 20 क्वेश्चन करते हैं इंग्लिश के मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। और इसमें इसका लेवल थोड़ा सा टफ होगा कल के अपेक्षा, और आई होप कि इसमें आप इन्जॉय करना, टेंशन मत लेना, ठीक है। दोस्तों इसे स्टार्ट करते हैं। और एक बात जो इंपॉर्टेंट बात थी आप लोग के लिए, जितनी भी मैंने ग्रामर कराई है उस टाइम आप लोग थे नहीं आप हमारे चैनल पर, तो उस टाइम आपने देखा नहीं था। और वो सारे जो भी थोड़े बहुत ही ग्रामर के रूल्स वगैरह मैंने अपने अभी तक आपको प्रोवाइड किया है, थोड़े ट्रिकी हैं, आप एग्ज़ाम में उसको जाने से पहले देख लेना। उसकी जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद अपना देख लेना और अपने अपने मार्क्स शो जरूर करना इस वीडियो में, ठीक है। दोस्तों पसंद आएगा तो प्लीज़ दोस्त लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। और चलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हैं हम लोग। ही रीएजर्ड टू हिज बॉस That he had no plans to leave the company। अब गए यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि अब सबसे पहले आपको री एसेट का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो आश्वासन देना मतलब है ना, ढाढ़स देना जिसको बोलते हैं। तो क्या कर रहा है ये जो है अपने बॉस को क्या कर रहा है, री एसेट कर रहा है कि जो उसका कोई प्लान्स नहीं था जो है कंपनी को छोड़ने का। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों क्या आपको यहाँ पे देखती है कि ये जो है री एजर जो बना है ये एसर से बना है, ए डबल एस यू आर ई एसर। एजर का मतलब क्या होता है, ढाढ़स देना, वही ढाढ़स दिलाना, संतावना दिलाना एक तरह से बोल सकते हो आप लोग। तो उसी से क्या बना है, री एजर। तो एजर जो होता है ए डबल एस यू आर ई, उसके बाद कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है, आप इतने याद कर लो, ठीक है। तो ये उसके बाद टू भी यहाँ पर नहीं होगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि री एजर के बाद जो यहाँ पर टू नहीं होगा। देखिए 32 में क्या है, द कंपनी रिपोर्ट्स डैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स आर ग्रोइंग एवरी डे। अब गाइस आपको यहाँ पे देखने के लिए क्या है कि ये क्या है, द कंपनी रिपोर्ट्स है, ठीक है। आप यहाँ पे अच्छे से देखना रिपोर्ट्स, ये जो रिपोर्ट क्या कर रही है, कंपनी रिपोर्ट कर रही है, ये क्या है वी वन है, ठीक है, और सॉरी वी फाइव है, ये जो सिंगुलर फॉर्म है वर्ब का क्या है, सिंगुलर फॉर्म है रिपोर्ट्स, ठीक है। आगे देखो डैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स, अब यहाँ पर दोस्तों देयर आ गया, तो देयर कहाँ से आ गया भाई, ये जब कंपनी सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे देयर कैसे होगा। कंपनी की अगर मेंबर की बात की जाती दोस्तों तो यहाँ पे क्या होती है, तो देयर आ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे देयर नहीं होगा इसी वजह पे, इस तो आप इसको कंपनी के लिए क्या कर दोगे, यहाँ पे हिज कर दो, हिज कर सकते हो। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें ये प्रॉब्लम होगा दोस्तों कि वीडियो थोड़ी सी लेट लगेगी, लेकिन इसके सारे रूल को आप अच्छे से समझना, क्वेश्चन का लेवल टफ है, जल्दीबाजी नहीं। अब आप दोस्तों बोल रहे हो कि चलो भाई इसको हम देयर क्यों करें, इसको हमें हिज क्यों करें, हम यहीं पे रिपोर्ट को, रिपोर्ट्स को हम एस को हटा के हम क्यों नहीं रिपोर्ट कर दें कि ये भी प्लूरल में हो जाएगा और ये भी प्लूरल में हो जाएगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमसे रिपोर्ट्स को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो द कंपनी जो है यहाँ पर कंपनी सिंगल है, इंडिविजुअल है, मतलब अलग अलग इनका मत नहीं है, वो सिंगल इंडिविजुअल नहीं है, मतलब कंपनी के मेम्बर की यहाँ पे फिर स्टाफ की बात नहीं की जा रही है, सिंगल कंपनी की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जो है सिंगुलर होगा कंपनी, ठीक है, यहाँ समझ लो कंपनी के लिए यहाँ वर्ब क्या है, सिंगुलर यूज किया गया है, तो आगे का भी जो होगा प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। देखो 133 में क्या है, व्हेन आई सॉ द ड्रेस आई न्यू इट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर। अब देखिए दोस्तों इसमें आपको क्या है, ये क्या है? इसका हिंदी देखो, व्हेन आई सॉ द ड्रेस, वो जब क्या वो ड्रेस को देखी, ठीक है, तो वो क्या वो जान गई क्या कि वो वही ड्रेस है जो क्या कर रही है, वो इसके लिए आप उसको खोज रही, लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता है, लुक फॉर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की खोज में रहना, ठीक है। तो वही अब यहाँ पे देखो व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर, ठीक है, तो लुक्ड फॉर नहीं हुआ दोस्तों, व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर होगा। अब क्यों होगा मैं बताता हूँ, क्योंकि उसकी तलाश अभी तक जारी थी दोस्तों, मान लो कि आप किसी चीज़ की तलाश जारी हो, आपको अचानक मिल जाता है तो आप क्या बोलोगे, ये वही चीज़ है मैं जो अब तक खोज रहा था, क्या बोल रहे हो कि खोज रहा था, आपको वो मिल गई, तो ये क्या है, ये इसका हिंदी क्या था कि मैं खोज चुका था, नहीं ना, ये इसकी तलाश अभी जारी थी, इसलिए यहाँ पे आई वॉज लुकिंग फॉर होगा, ये अब क्लियर हो गया होगा आपको। 134 में क्या है दोस्तों, आई प्रोमिस आई कॉल यू एज सुन एज आई गेट होम, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात होती है दोस्तों क्या, एज सुन एज आई गेट होम। अब एक बात आप याद रखना सेंटेंस के लिए, कहीं भी आप एग्जाम में अगर बैठते हो तो गेट का दोस्तों अगर कभी भी हम यूज करते हैं तो ये पहुँचने के अर्थ में, ठीक है, तो अगर गेट का दोस्तों अगर पहुँचने के अर्थ में करते तो ये आई गेट होम, ये घर पहुँचने की बात की जा रही है ना, तो गेट का कभी भी हम लोग अगर सेंटेंस में यूज करेंगे पहुँचने के लिए तो गेट के बाद इन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई गेट इन होम, क्लियर हो गया होगा। 135
दोस्तों आपको जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, टाइम अपने और अच्छे से आप पढ़ो, क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन करोगे आपको कम से कम इसमें 20 रूल मिलेंगे याद करने के लिए। 135 में दोस्तों क्या देखो, आई एम अफ्रेड, आई डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। अब दोस्तों इसमें आपको देखना है कि पहली बात तो इसमें आपको ये है कि आई डिड अ मिस्टेक, यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें गलती क्या है, ठीक है। तो पहली बात ये, मिस्टेक के लिए दोस्तों कभी भी, पहली बात सुन लो, डू से रिलेटेड डू के फॉर्म में कोई भी एक्जुलरी वर्ब नहीं यूज करते हैं। पहली बात वो मेक का फॉर्म में रहना चाहिए, मेक मेड वगैरह रहना चाहिए। और दूसरी बात ये, इस सेंटेंस में दूसरी चीज़ क्या गलती है, यहाँ पे आई एम अफ्रेड है, ये क्या प्रेजेंट में है। तो अब ये बताओ दोस्तों, ये पास्ट में कैसे हो जाएगा, नहीं ना होगा, ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए। तो ये क्या होगा, आई हैव मेड अ मिस्टेक, नहीं कि डिड ए मिस्टेक, नहीं, डी मिस्टेक लिए क्या है, मेक से रिलेटेड जो मेक का फॉर्म होता है, तो मेक से मेड बनाए, तो हैव, आई हैव मेड अ मिस्टेक होगा, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा, आप लिख के पूरा देख सकते हो इसे। 136 में देखो, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैज रीजन, ठीक है, राइजन दिस ईयर बाई एज मैनी एज 50%। आई होप कि आपने भी एक सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस को पढ़ लिया होगा। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको सी नंबर ऑप्शन में पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, एज मैनी एज 50%, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना दोस्तों, कभी भी जब परसेंटेज की बात की जाए तो एज मैनी एज की प्रयोग नहीं होती है, परसेंट के लिए एज मच एज की प्रयोग होता है, ठीक है। यही परसेंट की जगह पे दोस्तों 50 नंबर रहता है, मतलब संख्या में बात की जाती, मतलब क्या की जा रही है, एप्लीकेशन की संख्या में अगर बात की जाती दोस्तों, ये जो परसेंटेज में बात की जा रही है तो मैनी एज का प्रयोग होगा, लेकिन परसेंटेज में अगर बात की जाती है तो एज मच एज का प्रयोग होगा, ये आप ध्यान रखना यहाँ पे। चलिए 137 में आप देख लो क्या है, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, दो यहाँ पे जो घटना एक साथ घट रही है, कौन, वो क्या कर रहा था, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, वो ब्रिज के नीचे क्या कर रहा था, ड्राइविंग कर रहा था, और फिर क्या हुआ, जब ही क्या हुआ कि ए फुटबॉल हिट माई विंडो, वो ड्राइविंग भी कर रहा था, उसके तुरंत जस्ट बार क्या हुआ कि फुटबॉल क्या हुआ, उसके विंडो से हिट करता है, मतलब टकराता है, मतलब किसी ने मार दिया होता है। तो ऐसे सेंटेंस में आपको एक चीज़ की ध्यान देनी होगी कि वहाँ पे एच का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे जब के लिए हमेशा वेन का प्रयोग होता है, आप थोड़ी इस बात को ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे दो घटना जब घट रही है, पास्ट में इसलिए हमने वेन का प्रयोग किया, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज। अब आपको ये सब क्लियर कहाँ से होगा, नीचे ग्रामर के सारे जो है 10 वीडियो जो भी होंगे आप देख लेना, इन सभी के रूल मैंने बताए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अगर वाज के पहले हमें यूज करना होता है पास्ट में, तो वाइल का प्रयोग करते हैं, क्लियर, और यहाँ पे पास्ट में अगर हिट में पास्ट इंडेफिनिट के पहले वेन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें तो मैं ज़्यादा क्लियर नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैंने आपको इसमें ट्रिक बता दिया, वीडियो वहाँ पे देख लेना, इन सारी से आपको बहुत सारे रूल पे क्लियर हो जाएंगे, ये सारे रूल मैंने बताए हैं वहाँ पे। अब 138 में देखो दोस्तों, इफ़ आई वुड नो व्हाट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना क्या होगा, अब पहले अपने कंडीशनल सेंटेंस भी मैंने आपको पहले बताया था, तो कंडीशनल सेंटेंस आप देखो, इफ़ आई वुड नो यहाँ पे भी है और आई वुड हेल्प, तो कंडीशनल सेंटेंस में दोस्तों इसका स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बार उड नहीं होगा, क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है, ये ग्रामर का रूल है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको गलती है, इफ़ आई न्यू होगा, ठीक है। चलिए पहला क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, उसके बाद इफ़ से लगा सेंटेंस, उसके बाद वाला जो सेंटेंस जस्ट होगा आई वुड उड लग के बनेगा, क्लियर। ये जो दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको पहले बताया है। 139 में देखो, नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चिप। अब देखो मैं बहुत कम ही आपको सेंटेंस का हिंदी कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको हिंदी की ग्रामर करने नहीं आती, इसलिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि बिना हिंदी किए भी आप कैसे सेंटेंस में इरर को निकाल सकते हो, ठीक है, एक बिल्कुल भी ग्रामेटिकली रूल के अकॉर्डिंग। अब देखो 139 में क्या है, नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चिप एज सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट इज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। अब गए यहाँ पे देखो, नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चिप, यहाँ पे क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है, ठीक है, एज सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी की तरह इस जो है अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पे तुलना की जा रही है दो चीज़ों के बीच, ठीक है। जब दो चीज़ों के बीच तुलना की जा रही है तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, तो आपको लगता होगा कि सो की जगह हम एज कर दें, अगर आपको लगता है तो कि एज चिप एज, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, वो अफर्मेटिवली यूज करते हैं। अभी यहाँ पे निगेटिव है दोस्तों, तो निगेटिव में हमेशा सो और एज का एक साथ कंजक्शन का रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है, सो और एज, सो डैट डॉट डॉट एज का प्रयोग करते हैं अगर निगेटिव हो तो,
ये सेंटेंस, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही है। सोच एच क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है इसलिए। चलिए 140 में देखते हैं दोस्तों। लास्ट ईयर ही वॉज मैरिड विथ अ बिजनेस मैन इन द ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे मैरिड के साथ क्या होगा दोस्तों, टू का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, मैरिड टू अ बिजनेस मैन, ना कि विथ। अब टू और विथ में भी कुछ अंतर है, आप सारी वीडियोज देखना, वहाँ पे जाके क्लियर हो जाएगा कि कब किसका प्रयोग करते हैं। 141 में देखो दोस्तों, द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई द टीचर वॉज एंग्री अपॉन देम, ठीक है। अब देखो, एंग्री अपॉन देम, अब कभी भी प्रीपोजिशन में मैंने बताया था आपको कि मनुष्य पे अगर कोई गुस्सा होता है, वेक्स्ड का प्रयोग हो या फिर एंग्री हो, बहुत सारी गुस्सा से रिलेटेड मैंने आपको वहाँ पे ट्रिक बताया थी कब किसका प्रयोग करते हैं। तो मनुष्य से इस बात से प्रयोग जब होता है तो एंग्री विथ का प्रयोग करते हैं, एंग्री विथ देम होगा, ना कि एंग्री अपॉन देम, ठीक है। चलिए, ये सारे मैंने प्रीपोजिशन के वीडियो में आपको बताए हैं, आप सब देख सकते हैं वहाँ पे। चलिए दोस्तों, अब 142 में देखो, दिस बुक इज क्वाइट डिफरेंट देन द प्रीवियस वन, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं दोस्तों, दिस बुक इज क्वाइट डिफरेंट। अब देखो दोस्तों, डिफरेंट के बाद क्या आता है, ये देन नहीं आता है, डिफरेंट के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, ठीक है, आप याद रखना। डिफरेंट के बाद क्या आता है, फ्रॉम आता है, ना कि देन। अब देखो, अगर तुलना की जाए तब की बात करें, दो चीज़ के बीच कंपेयर की जाए तो डिफरेंट के बाद देन नहीं बल्कि फ्रॉम आता है, ठीक है। 143 में देखिए आप, दैट दे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वाज मैनी ओल्ड टाइमर्स हु वेयर शॉक्ड एंड फियरफुल। ये फियरफुल इसमें सेंटेंस को जोड़ा गया, फियरफुल। अब गाइस आपको यहाँ पे देखना होगा, आप जैसे पढ़ रहे होगे, मैंने आपको अंडरलाइन किया था, देयर वॉज मैनी ओल्ड टाइमर्स, आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखो, देयर वॉज मैनी ओल्ड टाइमर्स, दोस्तों देयर से सेंटेंस जब स्टार्ट हो रहा है तो इसमें आपको देखना है कि इसका जो नाउन कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल। अगर प्लूरल नाउन है तो इसका वर्ब भी जो होना चाहिए प्लूरल ही होना चाहिए। आप यहाँ पे ओल्ड टाइमर्स, मैनी ओल्ड टाइमर्स क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वॉच की जगह वेयर करो, क्योंकि इसे भी वर्ब को भी जो है एग्जिलरी वर्ब है, इसको हमें क्या करना है, प्लूरल बनाना होगा। 144, दो द प्रोजेक्ट इज इन इट्स इन्फेंसी, ठीक है, इट इज अ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, सॉरी, फिर से हम सेंटेंस को पढ़ देते हैं, दो द प्रोजेक्ट इज इन इट्स इन्फेंसी इट इज अ प्रोग्रेस बाय द डे। अब गाइस आप देखो, आपने एडजेक्टिव एडवर्ब ये सारे चैप्टर पढ़े होंगे, तो उनमें दो के बाद पहले एक नंबर, ये तो किसका प्रयोग होता है यहाँ पे, कॉमा के बाद एट का प्रयोग होता है, किसका, दो के बाद एट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले नंबर तो इट की जगह एट होगा, पहला गलती यहाँ पे ये है। अब देखो दोस्तों, ये क्या है, बाय द डे मतलब प्रतिदिन या फिर दिन के अनुसार, ठीक है, मतलब हर एक दिन क्या हो रहा है, उसका प्रोग्रेस हो रहा है। ये क्या है, इज अ प्रोग्रेस नहीं होगा, एट इज इज एट सॉरी एट इज प्रोग्रेसिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यू है अभी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 145 में, गौरी टोल्ड मी, ठीक है, हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। अब दोस्तों, आपने टेंस पढ़ा होगा तो उसमें आपको मिला होगा, आफ्टर और बिफोर में क्या डिफरेंस, देखो दो सेंटेंस जब आफ्टर और बिफोर दोनों में से किसी से जोड़े जाते हैं तो इसमें क्या है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम, पहले गौरी क्या बोलते हैं, अपना नाम बताया, ठीक है, फिर क्या है आफ्टर, उसके बाद क्या करता है, वो चला गया, ही लेफ्ट। तो यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ा गया, किस से, आफ्टर से। दोस्तों आफ्टर अगर रह गया तो इसके बाद वाला सेंटेंस होगा ही हैड होगा, अगर पास्ट में है तो ही हैड, आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड गॉन, गो वेंट गॉन, तो गॉन क्या है, भीतरी उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ही लेफ्ट नहीं, ही हैड गॉन। अगर सेंटेंस में आफ्टर की जगह वन मिनट बिफोर रहता है तो आपको वहाँ पे ध्यान देना होगा कि बिफोर जब रहेगा तो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस जो रहता है वो पास्ट इंडिफिनिट में रहता है और उसके पहले वाला जो होता है पास्ट परफेक्ट में होता है, ये आपको ध्यान देना होगा, है ना। 146 में देखो भाई, अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस आर नॉट ऑफर्ड ऑन एवरी डे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिक्कत है कि ऑफर के बाद दोस्तों कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है, तो क्लियर हो गया कि ऑफर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा तो ऑन यहाँ पे नहीं होगा, ऑफर्ड एवरी डे होगा। 147 में देखो, आई एम कम्प्लीटेड अ कोर्स इन स्पेनिश। अब देखो दोस्तों क्या बोल रहा है कि आई एम कम्प्लीटेड, ये पैसिव में बात की जा रही है,
अगर आप किसी काम को कर लिए होते हैं, प्रेजेंट में बात करते हैं, मैंने वो तो काम कर लिया है, तो क्या बोलती हो? आई हैव कम्प्लीटेड, ना कि आई एम कम्प्लीटेड, मेरे द्वारा किया जा चुका है, ऐसे आप किसी नहीं, वो सिंपली क्या बोलते हो? आई हैव कम्प्लीटेड, मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? आई हैव कम्प्लीटेड ए कोर्स इन स्पेनिश। अब थोड़े अपने लैंग्वेज पर भी ध्यान देना होगा सेंटेंस में, अगर आप इंग्लिश रीडिंग देते रहते हो तो आपकी ये सब जो है ना सुधर जाएगी। ये देखो 148, द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसका सिंपल सा ट्रिक है, बिटवीन के बाद कौन सा कंजक्शन आता है? टू नहीं आता है बल्कि एंड आता है। बिटवीन के बाद कौन सा कंजक्शन जुड़ता है? एन आता है, बिटवीन एंड दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है, ये आपको पता हो गया होगा। 149, ही इज एम्पावर्ड टू एक्ट, ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ टाइपिंग में, इंडिपेंडेंटली होगा यहाँ पे, एक ही में ये थोड़ा सा गैप दे दिया यहाँ पे, तो इंडिपेंडेंटली होगा इन रूटीन मैटर्स। खैर यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही है, आप इसमें आपको पूरी भी कहीं भी गलत नहीं है। अब देखो एम्पावर्ड का मतलब होता है शक्ति से, मतलब स्ट्रिक्टली वो क्या है, ही इज एम्पावर्ड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्र रूप से शक्ति से किसी भी कार्य को क्या कर सकता है, कर सकता है इन रूटीन मैनर्स मैटर्स, ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही है। अब गाइस 150 में क्या है, अनलेस यू डू नॉट मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अब गाइस एक बात बताओ, यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि मैं क्रिमिनल हूँ, ठीक है, या फिर कोई आदमी बोलता है कि मैं चोर हूँ, अब उस व्यक्ति को आप बार बार बोलोगे कि तुम चोर हो, या फिर उस व्यक्ति को बोलोगे क्या, क्रिमिनल को बोलोगे कि तुम क्रिमिनल हो, अगर वो खुद बोलता है कि मैं क्रिमिनल हूँ तो उसे क्या बोलना है, क्रिमिनल, ठीक है, क्योंकि उसका गुस्सा भड़केगा। अब गाइस मैं इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ, अब देखो यहाँ पर सेम चीज़ है, अनलेस हार्डली, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अनलेस, अनटिल, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, नो, नॉट, ये सब चीज़ें जो है खुद बोलते हैं कि मैं निगेटिव हूँ, तो फिर उनके साथ निगेटिव चीज़ें प्रयोग करके निगेटिविटी क्यों फैलाना है? तो अनलेस के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, ये क्योंकि खुद अपने आप में जो है निगेटिव है, तो निगेटिव चीज़ों को एक ही सेंटेंस में बार बार क्यों डालना है, एक बार आ गया वही काफ़ी है। क्लियर हो गया होगा आप तक, आई होप। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और कितना आपका सही हुआ ये भी कमेंट करके बताना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये भी होप कि आपने स्कोर भी कुछ अच्छा खासा किया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी अच्छी होनी चाहिए आपकी, करते रहिए।